नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे शायद थोड़ा सा. देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रिक्वायर्ड एंड बेस रेडियस 6 मीटर. देखो बच्चों बात समझो ना. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टार्पोलिन. टार्पोलिन क्या है? कोई कपड़ा वपड़ा होगा, ठीक है ना. अब इससे इनको टेंट बनाना है. तो कपड़े की खासियत को देखिए बच्चों. जो कपड़ा आप बाजार से खरीद के लेके आए हो उसकी खासियत देखिए कि उसका शेप कैसा है. जब आप बाजार से कपड़ा ये खरीद के लेके आए हो कैसा है कपड़ा. बड़ी इन्होंने पूछ ही लिया आपसे, कह रहे हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टार्पोलिन 3 मीटर वाइड. मतलब बच्चों जरूर ये कपड़ा जो होगा मुझे तो लग रहा है रेक्टेंगुलर शेप का होगा, क्योंकि देखिए उन्होंने किसकी बात कर दी, लेंथ की भी बात कर दी और क्या किसकी बात कर दी, 3 मीटर वाइड. मतलब लंबाई की बात करी जा रही है और चौड़ाई की. लेंथ क्या हो गया? लंबाई. वाइड का मतलब क्या हो गया? चौड़ाई. अब एक बार बताओ बाजार आप गए होगे कभी कपड़ा वपड़ा सिलाने अपना, ठीक है ना. वैसा तो आजकल सब रेडीमेड पहनते हैं बट ऐसे थान में बच्चों कपड़ा लपेटा रहता है. देखा आपने ऐसे थान में लपेटा रहता है. कहते हैं भाई शर्ट सिलवानी है जरा कपड़ा दिखा दीजिए. तो कैसे खोलता है कपड़ा? ऐसे खोले कहेगा ये वाला पसंद है, फिर निकालेगा बोलेगा ये वाला पसंद है. बात समझे ना. थान में से निकाल के दिखाता ना, आप टच करते हो उसका कलर देखते हो, फिर बोलेगा कितना दे दें. अगर थोड़ा मोटा आदमी तो 2.25 मीटर बोलता है काट दो. 2.25 मीटर मतलब 2.25 मीटर, ठीक है ना. और थोड़ा पतला आदमी है तो 2 मीटर में ही शर्ट बन जाती है. तो सोचिए बच्चों ये थान से ऐसा खोलता है वो और यहाँ से देखो तुम्हारे सामने खोल के दिखा देते हैं. ये देखिए ये थान है ऐसा, ठीक. ये कपड़ा ऐसे बंडल में उनका थान में रखा रहता है. ऐसा थान उठाते हैं वो और ये ऐसे खोलता जाता है. कितना नाप लेगा? जो लेंथ उसको जरूरत होगी उतना नाप लेगा, कट करेगा. ध्यान दें स्टूडेंट्स इसकी जो ब्रेथ होती है यानी कि जितना ये चौड़ा रहता है ये उतना ही चौड़ा रहता है. चौड़ाई तो फिक्स रहती है. चेक कर लो आप, केवल इसकी लेंथ ज्यादा मांग सकते हो. हाँ कोई बहुत ही मोटा आदमी तो बोलेगा भाई एक काम करो 3 मीटर कपड़ा दे दो, तो खोलता जाएगा 3 मीटर ना आपके यहाँ से कट लगा देगा. कोई डाउट है? तो यही चीज है बच्चों. आप ये जो टार्पोलिन का कपड़ा लेने गए हो आपसे यही क्वेश्चन में उसने पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टार्पोलिन. कह रहा कितना लंबा लेके आओगे कि उससे क्या बन जाए, उससे ये कॉनिकल टेंट बन जाए. लाओगे, कटिंग पिटिंग करोगे, स्टिचिंग करोगे, सिलाई करोगे, कुछ कपड़ा वेस्ट होगा तो उससे टेंट बना दोगे. बच्चों टेंट कैसा बन के आएगा? सर टेंट ऐसा बन के आएगा कॉनिकल शेप का. इस टेंट की क्या खासियत है? ध्यान से चेक करिए हाइट इसकी कितनी है, 8 मीटर. बेस रेडियस कितना है? 6 मीटर. तो एक काम करते हैं दोनों डायग्राम हम व्हाइट बोर्ड पर बना लें. सबसे पहले हम बाजार से कपड़ा खरीद के लाए, ठीक है ना. ये देखिए बच्चों ये हम कपड़ा खरीद के ऐसे बाजार से लेके आए, करेक्ट. ये ऐसा कुछ. देखिए बच्चों हमको लेंथ नहीं पता इसकी ना, हमको लेंथ इसकी नहीं पता. तो मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि लेट द लेंथ बी एल. कोई डाउट है? देखो इसकी लेंथ को हमने कैपिटल एल अज्यूम कर लिया. सर कैपिटल एल क्यों ले रहे हैं? सर स्मॉल एल से इसकी लेंथ को आप क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि स्मॉल एल लेंथ तो क्या होती है, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन होती है ना, ठीक है. इसलिए हम कैपिटल एल ले रहे हैं. कैपिटल एल लेंथ किसकी है? जो आप क्या लेके आए, टार्पोलिन, ठीक है ना. और 3 मीटर ये वाइड है तो बच्चों इसकी चौड़ाई तो फिक्स है, ये हमने आपको बता दिया ना. ये चौड़ाई इसकी क्या है? फिक्स है. अब इसकी चौड़ाई को हम कैपिटल बी से दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत है? हाँ इसकी चौड़ाई को हमने बोला कि भाई चलो इसकी ब्रेथ कितनी है, जो वाइड बोल रहा है ना आपके क्वेश्चन में 3 मीटर वाइड, तो यही बी दिया हुआ इसकी ब्रेथ दी हुई. ये कुछ इस तरीके से. कोई डाउट है बताइए बच्चों इसमें. अब क्या करोगे, ये कपड़ा ले आए, इसकी कटिंग वटिंग 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 करके सब बढ़िया से ये टेंट ऐसा बना लिया. कुछ कपड़ा वेस्ट हो गया होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, होने दो वेस्ट, उसको छोड़ो देखते हैं, पहले टेंट बना देते हैं, ठीक है ना. ये देखिए बच्चों एक टेंट बन के आ गया. कोई डाउट है? अब ये टेंट बन के आ गया, इसकी खासियत क्या है बताइए. हाइट कितनी है? 8 मीटर. तो वर्टेक्स से लेके जो सेंटर होगा ये डिस्टेंस कितनी हो गई? बच्चों क्वेश्चन जरा ठीक से पढ़ लीजिएगा. हाइट दिया उन्होंने, स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ आपको. तो हाइट है, हाइट कितना है बोलो फटाफट. 8 मीटर्स हाइट होगी. रेडियस बोलिए कितनी है फटाफट. रेडियस कितनी है? 6 मीटर्स हो गई. रेडियस कितनी है? 6 मीटर्स हो गई. सही है ना. अब देखो बच्चों एक बार बताओ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा यहाँ पर. कॉन्सेप्ट ये लगेगा बच्चों कि जितना भी कपड़ा था उसी से तो क्या बनाया है, टेंट बनाया है. मतलब कपड़े का एरिया, ये जो टार्पोलिन है, एरिया ऑफ टार्पोलिन इज इक्वल्स टू व्हाट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट. इसी कपड़े से तो टेंट बनाया है. लेकिन ध्यान रहे पूरा कपड़ा नहीं लेना है आपको, क्या करना है, कितने एरिया का कपड़ा लेना है, जितने का यूज हुआ हो. कुछ एरिया वेस्ट हो गया होगा. तो आइए जरा क्वेश्चन में हिंट देखते हैं क्या कुछ इन्होंने हिंट दी है. बच्चों बहुत ध्यान से चेक करिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए जरा, आगे पढ़िए. कह रहा है कि अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, ध्यान दें स्टूडेंट्स,
द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, किसकी बात कर रहा है? लेंथ की बात कर रहा है. मटेरियल मतलब यही जो आप कपड़ा लेके आए हो बाजार से, इसकी लेंथ, कितनी लेंथ वेस्ट हो गई, दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, सिलाई करने में, मार्जिन्स में एंड वेस्टेज में, इन कटिंग. आप समझ रहे हो, उसको काटा वाटा होगा, सिलाई लाई करी, तो कितना वेस्ट हो गया, पढ़िए जरा, वेस्ट हो गया अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर. क्या 20 सेंटीमीटर? क्या एक बार बताओ, 20 सेंटीमीटर लेंथ की बात कर रहा है बच्चों को. ध्यान से चेक करिए, पढ़िए 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 क्वेश्चन. कह रहा है अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, अब यहां से लेके ये जो लिखा है ना, दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, मार्जिंस एंड वेस्टेज इन कटिंग. ठीक है, ये आप इसको ब्रैकेट में रखिए. अब आप बस इतना पढ़िए, क्या अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर इज इन वेस्ट. ये वेस्ट में चला गया, कोई डाउट है बताइए. तो बच्चों अगर मैं आपको इस डायग्राम को देख के बताऊं, देख के पूछूं, तो कितने लेंथ का कपड़ा वेस्ट में चला गया, 20 सेंटीमीटर का. तो ध्यान से बच्चों चेक करो, पूरी लेंथ आप बाजार से कितनी खरीद के लेके आए थे? एल मीटर्स आप खरीद के लेके आए थे, एल मीटर्स. ठीक है ना, क्योंकि कितना खरीद के लाए थे यही नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि भैया हम कैपिटल एल लेंथ का, कैपिटल एल मीटर का हम खरीद के लेके आए थे बाजार से. लेकिन इसमें से बच्चों कितनी लेंथ का वेस्ट हो गया, 20 सेंटीमीटर का. तो बच्चों मान लीजिए कि ये जो लेंथ है, देखो 20 सेंटीमीटर काफी छोटा होता है, अब इतना भी छोटा नहीं होता है, पर इस पूरी जो मीटर में आप खरीद के लेके आओगे उसके कंपैरिजन में तो 20 सेंटीमीटर बहुत छोटा होगा, इसलिए इसको हमने छोटे से पार्ट में दिखाया. ये देखिए, ये वाला जो लेंथ का कपड़ा है, ये लेंथ का कपड़ा क्या हो गया, वेस्ट हो गया. इसकी लेंथ बोलो बच्चों कितनी है, 20 सेंटीमीटर. इसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर. ठीक है, ये वेस्टेड लेंथ, वेस्टेड लेंथ बोलिए कितनी फटाफट, 20 क्या सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करो, 20 डिवाइडेड बाय 100, तो मीटर में ले आओ कितना आ जाएगा, 0.2. सर मीटर में क्यों लेके आ गए, अरे भाई सब कुछ मीटर में दिया हुआ ना क्वेश्चन में, तो मैं मीटर में लेके आ गया. बहुत ध्यान से चेक करना बच्चों, ध्यान से चेक करिए जरा, ये कितना आ गया बताइए, 0.2 मीटर. ये तो बच्चों एक बार बताओ, जिसमें हमने शेड किया हुआ है ये तो क्या हो गया, वेस्ट हो गया. तो बच्चों बताओ कितने कपड़े से टेंट बना होगा, तो जवाब है सर ये जो कपड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है ऊपर, कपड़ा का नाम रख देते हैं ए बी सी डी, इतना रेक्टेंगुलर शेप का ही एरिया तो यूज हुआ होगा क्या बनाने में, टेंट बनाने में. अब बच्चों एक बार बताइए, क्या आप इस रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे सर, लेंथ इंटू ब्रेथ. अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ अब एल नहीं होगी, कितनी होगी, एल माइनस 0.2. नहीं समझ आई बात, अरे भाई ये लेंथ अब कितनी हो जाएगी, पूरी कितनी थी बोलो, एल कितना वेस्ट हो गया, 0.2 मीटर, तो कितना बचा, एल में से 0.2 माइनस कर दो. ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ आ जाएगी ये आपकी कितनी आ जाएगी बताइए, ये आ जाएगी एल माइनस 0.2. अब देखो बच्चों एल कुछ ना कुछ होगा, हमें नहीं पता होगा, वही तो निकालना है, और 0.2 मीटर में था, एल भी किस में था, मीटर में, तो एल कोई नंबर होगा, उसमें से 0.2 माइनस करोगे तो कोई नंबर ही तो आएगा, हाँ कोई नंबर होगा, और उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी. ये देखिए, ठीक है, कोई डाउट है बताइए. अब क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ टेंट. इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे, ये वाली लेंथ ले लोगे, और ये वाली ब्रेथ ले लोगे, वो मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल रख दोगे, पाई आर L के इक्वल, पाई आर L के इक्वल, कर सरफेस एरिया ऑफ टेंट. तो अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे फटाफट बच्चों, दो तीन चीजें हम कॉपी में लिख देते हैं यहां सॉल्यूशन में. देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम, अज्यूम व्हाट, लेट अस अज्यूम कि लेंथ, लेंथ रिक्वायर्ड बी L मीटर्स. माना कि कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है, L. कुछ बच्चे बोलेंगे सर L कैसे रिक्वायर्ड है, अरे बाजार गए तो L लेंथ का ही तो खरीद के लाओगे भैया, वेस्टेज तो बाद में होगी ना, है ना. तो हम क्या लिखेंगे, बट 0.2 मीटर लेंथ इज वेस्टेड, कोई दिक्कत है, लेकिन 0.2 मीटर वेस्ट, भाई 20 सेंटीमीटर की लेंथ वेस्ट हो गई, 20 सेंटीमीटर को किसमें चेंज कर लिया हमने, मीटर में. कितना आया, 0.2 मीटर में, कैसे चेंज करते हैं, 100 से डिवाइड करके, यानी कि 0.2 मीटर वेस्ट हो गई. ठीक है, नाउ क्या हुआ बताओ, नाउ टोटल लेंथ यूज्ड, नाउ टोटल लेंथ ऑफ मटेरियल, टोटल लेंथ ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक द
टेंट इज कितनी हो जाएगी, एल माइनस 0.2। टेंट को बनाने में अब कितनी लेंथ का कपड़ा यूज होगा, एल माइनस 0.2 मीटर का। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, ध्यान से चेक करो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा बोलिए, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ टार्पोलिन है ना, एरिया ऑफ टार्पोलिन और कौन सा एरिया आफ्टर वेस्टेज, तो ये वाला एरिया लेना है। ठीक है ना, एरिया ऑफ टार्पोलिन आफ्टर वेस्टेज, मतलब वेस्टेज के बाद जितना टार्पोलिन बचा, कितना बचा, एल माइनस 0.2 लेंथ का, इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। नहीं समझ पाए भाई, जो कपड़ा बचा है उसी से तो टेंट बना होगा ना, तो जो कपड़ा बचा है उसी का तो मैं एरिया लूंगा ना, तभी तो मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने लिखा एरिया ऑफ टार्पोलिन, कौन सा टार्पोलिन, जो बाजार से खरीद के लाए थे वो नहीं, आफ्टर वेस्टेज, वेस्टेज के बाद ये जो बच गया ABCD। ठीक है, इससे आप क्या बना लोगे, कर सरफेस एरिया ऑफ टेंट को तैयार कर लोगे, कोई डाउट है बताइए। अब लगा दो बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है बताइए, एरिया ऑफ टार्पोलिन आफ्टर वेस्टेज, एरिया कैसे निकालोगे, वेस्टेज के बाद इतना टार्पोलिन बचा, रेक्टेंगुलर है, एरिया निकाल लो, बताओ कैसे निकालते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, तो लेंथ, लेंथ की जगह क्या रखोगे बच्चों, बोलो, एल माइनस 0.2 ये लेंथ हो गई, और ब्रेथ की जगह क्या रखोगे 3, ये किसका एरिया है बोलो, ये जो कपड़ा यूज हुआ है वेस्ट होने के बाद, लेकिन ये जो यूज हुआ है ये कहाँ यूज हुआ है, ये यूज हुआ है कर्व सरफेस एरिया को बनाने में, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉनिकल टेंट है तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, हाँ, और पाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी लेने के लिए बोली है, 3.14 क्वेश्चन में बोली है, ध्यान रखिएगा जरा। ठीक है ना, तो करना क्या है सर, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ध्यान से चेक करो बच्चों, ये एल माइनस 0.2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, पाई का वैल्यू क्या रखेंगे, 3.14 इंटू रेडियस कितनी बोली है 6 इंटू स्लैंट हाइट, बच्चों नहीं पता स्लैंट हाइट निकाल लीजिए, आइए जरा स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल का, एल इज इक्वल्स टू व्हाट, ये एल क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन या फिर कॉनिकल टेंट, एल इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, एच कितना है 8, 8 का स्क्वायर, आर कितना है 6 का स्क्वायर, बच्चों 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 मीटर्स में आ जाएगा, तो एल की वैल्यू कितनी रखनी होंगी हमें 10 मीटर, तो एल की वैल्यू हमने क्या रखी है 10 मीटर, कोई डाउट है, ठीक है ना, बस अब करना कुछ नहीं बच्चों, ध्यान से चक्री, यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये वाला 3 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करता है उसी नंबर से उठा के बोथ साइड क्या लगा दो, डिवाइड, नहीं समझ में आई बात, अरे भाई ये एल माइनस 0.2 में 3 क्या है, मल्टीप्लाई है ना पूरे में, तो इसको या तो उधर भेज दो डायरेक्ट, या तो क्या बोलो डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, तो हमने क्या किया लेफ्ट में भी 3 से डिवाइड लगाया और राइट में भी, अब देखो ये वाला 3 इससे कट जाएगा, और यहाँ 3 1 3 और 3 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर हम कहीं पर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना, चलिए यहाँ कहीं हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ओके, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो पाई की वैल्यू आपको कितनी लेने के लिए बोली इन्होंने, ये हटा दे रहा हूँ डायग्राम, है ना, इसका कोई फायदा तो है नहीं, चलो चलो देखते हैं क्या होता है, क्या बच्चा बच्चों लेफ्ट में बताइए बोलिए, एल माइनस 0.2 ब्रैकेट में, ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क पड़ता नहीं, और 3 से 3 कट गया यहाँ 1 बचा, मन का कोई मतलब है नहीं, 3 से 3 कटा 1 बचा कोई मतलब है नहीं, इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू, देखो बच्चों 3 1 3 और क्या बचा यहाँ पे 2, तो इंटू 2 और इंटू 10, कोई डाउट है बोलिए, हाँ, अब यहाँ से देखो बच्चों यहाँ ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ अब तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ बाहर कोई नंबर बचा नहीं, तो लेल माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कैसे करें सर मल्टीप्लाई, अरे भाई चेक करो पहले 3.14 को किससे मल्टीप्लाई कर लो 10 से, नहीं करना है कोई बात नहीं, इन दोनों को कर लो, चलो 2 4 8 2 1 2 2 3 6 6.28 इंटू 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एल माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट कहाँ चलेगा, 1 प्लेस राइट में, कितना हो जाएगा 62.8, कोई डाउट है बोलिए, नाउ ध्यान से चेक करो बच्चों, ये माइनस में है 0.2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, डिवाइड में कैसे हो जाएगा भाई, एल माइनस 0.2 है ना, नहीं समझ में, सुनो जिनको नहीं समझ में आ रहा है जरा ध्यान दें, एल माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू क्या लिखा है 62.8,
यहाँ पर 3 क्या था, मल्टीप्लाई, इसलिए बोथ साइड हमने 3 से क्या किया, डिवाइड। मल्टीप्लाई का जस्ट अपोजिट क्या होता है, डिवाइड करना। माइनस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्लस करना। तो हम बोल देंगे एडिंग 0.2 बोथ साइड। किसी इक्वेशन में सेम नंबर से बोथ साइड डिवाइड लगाने से फर्क नहीं पड़ता है, किसी इक्वेशन में सेम नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, किसी नंबर को अगर हम किसी इक्वेशन में बोथ साइड ऐड कर दें तब भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, 0.2 को राइट में ऐड किया और 0.2 को लेफ्ट में ऐड किया। इससे क्या फायदा सर, माइनस का 0.2 प्लस का 0.2 कैंसिल हो जाएगा और एल अकेला बच जाएगा यहाँ पर, हाँ, इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 62.8 और प्लस 0.2 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 कैरी जाएगा 1, 2 प्लस 1 3 6, 63.0 यानी कितना आ गया, 63 आ गया। तो ये कितना आ गया, 63 क्या मीटर्स, बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरीके से जो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड होगी, जो आप बाजार से टोटल खरीद के लाए थे वो कितनी थी, 63 मीटर्स। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, कोई डाउट है? और यही बात तो मैं आपसे कह रहा था, ये माइनस 0.2 है ना लेफ्ट में, इसको राइट में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, L इज इक्वल्स टू, ये माइनस 0.2 राइट में जाता तो 62.8 और प्लस 0.2 हो जाता, कितना आता, 63। कोई डाउट है, बोलिए।